हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बाण और मैं आज आप लोगों के सामने आपके पार्टनर के डीपेस्ट एक्सपेक्टेशंस क्या है वो देखने के लिए आया हूं। तो ये जो वीडियो है ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगा, सारे राशियों के लिए एप्लीकेबल होगा। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि अगर आप आपके पार्टनर के साथ नहीं हो यानी कि नो कॉन्टैक्ट में हो तो वो अभी क्या सोच रहे हो, ओवरऑल एनर्जी भी देखेंगे और डीपेस्ट एक्सपेक्टेशंस भी देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। ऑल्सो एक चीज़, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। एंड मैं कभी भी प्राइवेट रीडिंग के लिए आपको नहीं बोलूँगा कमेंट सेक्शन में, नॉर्मल रिप्लाई करता हूँ, लाइक करता हूँ। बट कभी भी अगर आप देखते हो कि कोई फेक, आपको समझ में आ जाएगा कौन से फेक प्रोफाइल का बात कर रहा हूँ, तो प्लीज़ प्राइवेट रीडिंग में नहीं करता हूँ। तो मेरे को प्राइवेट रीडिंग के लिए मेरे को रिक्वेस्ट मत भेजिए और स्कैमर से बचिए। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ आपके पार्टनर के फीलिंग्स। इस टाइम पे वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो जो मेरे व्यूअर्स बहुत एंग्शियस है उनके पार्टनर के फीलिंग्स बताइए, उनके डीपेस्ट एक्सपेक्टेशंस बताइए। ओके, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, फर्स्ट कार्ड आ गया। उसके बाद सेकंड कार्ड आता है द सन। थर्ड कार्ड आते हैं द थिंकिंग वेमेन। ओके, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, सन एंड थिंकिंग वेमेन। और क्या क्या कार्ड्स आ रहे देख लेता हूँ। ओके, यहाँ पे फर्स्ट आ गया है एस ऑफ शोर्ड्स विद अ विल ऑफ फॉर्चून। उसके बाद आते हैं पेज ऑफ शोर्ड्स। उसके बाद आते हैं पेज ऑफ वंस। उसके बाद आते हैं स्ट्रेंथ। एंड नाइन ऑफ कप्स। एंड टू ऑफ कप्स। और एक ओवरऑल एनर्जी का चेरियट। तो मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, ये कुछ क्लैरिटी चाहते हैं रिलेशनशिप को लेके। मैं देख सकता हूँ कि ये आपको स्टॉक करते रहते हैं, इसको पता है कि आप उनके बारे में सोचते रहते हो, आप उनके लिए लॉयल हो। उसको ये भी पता है कि आप कभी भी उनसे दूर नहीं गए हो, आप हमेशा उसको याद करते हो। बट एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज मतलब क्या है कि ये हमेशा आपको एज एन ऑप्शन यूज़ किया है, कभी ये आपको प्रायोरिटी नहीं दिए है, बट आपने इसको प्रायोरिटी दी हो। अभी इसके सामने कुछ चीज़ क्लियर हो रहे हैं कि कैसे आप इनको प्रोटेक्ट करते थे, कैसे आप इसको समझाते थे, कैसे आप इसको हर चीज़ के बारे में सोल्यूशंस निकाल के देते थे, पर ये सारी चीज़ उसके जहन में आ रहे हैं, वो आपको याद करे। इस टाइम पे वो बहुत पैशनेटली आपके साथ सादगी को मिस करे। मैं डेफिनेटली देख रहा हूँ कि ये पर्सन के लाइफ में कुछ बैड लक चल रहा था, डेफिनेटली वो बहुत चीज़ों को खोए हैं और वो अभी वही चीज़ों को मिस भी करते हैं। ये बहुत मेहनत कर रहे थे खुद के कैरियर को बिल्ड करने के लिए या फिर खुद के लाइफ को बिल्ड करने के लिए, बट इस मेहनत के चक्कर में ये क्या किए, ये आपके साथ जो कम्युनिकेशंस था वो कम्युनिकेशंस ब्लॉक कर दिए। मैं ये भी देखता हूँ कि ये पर्सन ने आपको बहुत कुछ जेन्युइनली बोला था, जेन्युइनली एफर्ट दिए थे, और ये पर्सन आपको बोला था कि ये आके मिलेंगे, ये आपको कमिटमेंट भी देंगे। कुछ हद तक मैं देख रहा हूँ कि ये खुद को पुल बैक किया है, यानी कि ये पर्सन एक चीज़ देख रहे थे कि आप अपने लाइफ में बिजी थे और ये भी अपने लाइफ में बिजी थे, बट आप उनके ऊपर बहुत डिपेंडेंट थे। और लगभग ये आपको कई कबार बोला भी है कि आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाओ, थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो जाओ, बट एक ही टॉपिक में रिलेशनशिप का कुछ चलता रहा और डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी के वजह से एक झगड़ा हुआ। मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि आप दोनों के बीच में प्यार अभी तक है और आप दोनों इस प्यार को ढूंढ भी पाओगे, बट द प्रॉब्लम इज़ कि आप दोनों के बीच में जो मेन चीज़ें हैं वो है इमैच्योरिटी। आप दोनों इमैच्योर की तरह बहुत ज़्यादा झगड़ते हो और आपके पर्सन अभी भी इमैच्योर की तरह ढूंढ रहे हैं कि कौन से चीज़ में वो सही है और कौन से चीज़ में आप। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये बहुत पैशनेट पर्सन है, हो सकता है कि ये कैंसर हो या फिर हो सकता यानी कि कर्क हो, या फिर हो सकता है कि ये जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो या फिर एरीज लियो सजिटेरियस।
क्योंकि ये पर्सन जो भी बोलता है ये हमेशा एक कुछ डायनेमिक करके बोलता है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि इसके बच्चे हैं या फिर एक मैरिड पर्सन है, या फिर आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो वो खुद एक बच्चे है बट उसके एज बहुत ज़्यादा है। मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत ही अपना दिमाग बहुत ज़्यादा चला रहे, तो बहुत स्मार्ट है, लोग इससे बात करने के लिए तरसते हैं, क्योंकि मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये पर्सन खुद को बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि ये आईटी पर्सन हो सकता है, या फिर ये पर्सन कोई स्टूडेंट हो सकते हैं, आप दोनों सेम कॉलेज में हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके स्ट्रीम और इसके स्ट्रीम सेम है, हो सकता है आप इंजीनियर हो ये भी इंजीनियर है, या फिर आप डॉक्टर हो ये भी डॉक्टर है, या फिर एक चीज़ देख रहा हूँ कि आप दोनों के जो केमिस्ट्री है ये बहुत बहुत सेम टाइप है, आप इसको समझते हो, ये भी आपको समझते हैं। मैं अब देख सकते हो कि एक लॉन्ग डिस्टेंस पर्सन के बारे में अभी आप सोच रहे हो, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपके बारे में सोचते नहीं है, ऐसा नहीं है, ये किसी फ्रेंड्स के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये जो कनेक्शन है ये कनेक्शन को भूलना नहीं चाहते, यहाँ पर जो प्यार है ये सच्चा प्यार है, यहाँ पर जो सेटिस्फेक्शन है ये वो सच्चा है, बट मैं देख सकता हूँ कि आपके पर्सन को ये तक पता नहीं कि कैसे रीच आउट करेंगे, कैसे इस पूरे प्यार को बचाएंगे, क्योंकि हर वक्त मैं देख रहा हूँ कि इस प्यार को वो गलत डायमेंशंस पे लेके जा रहे हैं, यानी कि इसको पता नहीं चल रहा कि क्या इसको करना चाहिए। एक चीज़ है कि इसके लाइफ में बहुत नए नए ऑप्शंस आ रहे हैं, तो ये नए नए ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, डेफिनेटली आप दोनों का मंजिल एक है, बट कहीं ना कहीं इसको भी समझना है कि कैसे इसको आगे बढ़ना है। तो ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे, आपको मिस भी करते हैं, ये मैसेज करने के लिए भी सोच रहे, बट एक एक करके इसके मतलब जो भी बाहर की चीज़ें इसको याद आ रहा है तो ये मैसेज और कॉल नहीं कर पा रहे। मैं डेफिनेटली देख रहा हूँ कि इसके एक्स अचानक इसके लाइफ पे वापस आए हैं, या फिर एक्स के बारे में ये सोच रहे हैं, कुछ हद तक पास्ट के बारे में ये सोचे थे बहुत ज़्यादा, बट ये डिसीजंस लेने के टाइम पे है, और वो डिसीजंस ये है कि ये जो भी किया है गलत किया है, तो कुछ मैं देख सकता हूँ कि रिग्रेट ये फील करते, ये खुद को एक बहुत ही ओपन माइंडेड पर्सन मानते हैं, और इसके हाई एम है, ये कुछ बनना चाहते हैं, स्पेशली मैं देख सकता हूँ कि ये घर में किसी को प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि इसके घर में भी कुछ ऐसे सिचुएशंस था इसके माँ बाप के बीच में, हो सकता है इसके माँ बाप डिवोर्स ही है, या फिर इसके फैमिली बहुत रॉन्ग तरीके से इसको ट्रीट किए है, तो बचपन से ही अलग रहते हैं, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये सेल्फ मेड पर्सन है, तो ये प्रूफ करना चाहते हैं, बट प्रूफ करते करते इतना ज़्यादा हर्टलेस पर्सन में ये बदल गए थे कि ये इमोशंस नाम के वो जो चीज़ है उसी को भूल गए। तो मैं डेफिनेटली देख रहा हूँ कि इमोशन एंड अनअवेलेबिलिटी अब दोनों के बीच में बहुत बढ़ गए थे, इसीलिए शायद ये पर्सन तड़प रहे थे, बात नहीं कर रहे थे। मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ कि ये पर्सन प्यार करते हैं, बट इस पर्सन को सच में अभी आइडिया नहीं है कि कैसे ये सब चीज़ होगा क्या नहीं होगा, थर्ड पार्टी के ग्रिप पे है, बट थर्ड पार्टी के साथ ये सिंपली टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसका मन कहीं और पे है। डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ आपके साथ कनेक्टेड है, आपके हर बातों को याद करे, और ये रिग्रेट भी फील करते हैं कि आप क्या फील करोगे क्या करोगे, बट ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन एनी बिजी है बट कुछ बोल नहीं रहे हैं, और ये बोलेंगे, डेफिनेटली ये बोलेंगे। सो ए, क्या ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं? हाँ। क्या ये पर्सन कुछ एक्शंस लेंगे? हाँ। क्या आप दोनों के बीच में प्यार है? हाँ। बट अभी भी इस पर्सन को एक रियलाइजेशंस नहीं आए हैं जो आएंगे इन द फ्यूचर, कि एक पर्सन को प्यार जो करते हैं उसको थोड़ा सा रेसिप्रोकेट करना चाहिए, थोड़ा सा उसके साथ भी वक्त बिताना चाहिए। हर टाइम पे एक पर्सन समझ नहीं पाएंगे कि वो क्या सोच रहे। ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस हुआ, ये नो कॉन्टैक्ट के वजह बहुत ही छोटा है। मैं देख सकता हूँ कि छोटे छोटे चीज़ को लेके झगड़ा हुआ, उसके बाद ये बात नहीं किए। ये भी देख रहा हूँ कि ये पर्सन बहुत सीक्रेटिव है, तो हर चीज़ को छुपाते हैं, और आप बोलते हो कि क्यों छुपाते हैं, क्योंकि आप बहुत ही, मैं देख सकता हूँ कि आप बहुत ही ओपन माइंडेड हो, और आप एक्सप्रेसिव हो, आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके साथ बात करे, बट लैक ऑफ कम्युनिकेशंस मैं देख रहा हूँ, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपको एक अकेले रहने का आदत भी हो गया है, तो बहुत दिन हो गया है, हो सकता है कि ये पर्सन की तरफ से कोई मैसेज कॉल नहीं आए हैं, तो इसीलिए आप इंट्यूटिवली इस पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, बट कोई प्रॉपर तरीके का कम्युनिकेशंस अभी तक नहीं हुआ। तो क्या मेरे व्यूअर्स और उसके पार्टनर के बीच जो दूरी आई ये ख़त्म हो रहा है बहुत जल्दी? नाइट ऑफ शोर्ड्स बहुत ही जल्दी, और ये पर्सन बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे, और मैं देख सकता हूँ कि ये ट्रैवल करके आ रहे हैं, या फिर आप और वो कहीं ना मिलोगे, अनएक्सपेक्टेड तरीके से मिलोगे, और ये वापस आके आपसे ही एक ही चीज़ बोलेंगे कि और ये नहीं जाएंगे, कुछ ऐसे चीज़ के
और ये आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, कुछ ऐसे चीज इसके दिल में हमेशा चल रहे हैं अभी। और क्या एक्सपेक्टेशंस? यस, नाइन ऑफ वॉन्स। देखिए ये रिले, ये जो आप दोनों का जो ब्रेकअप चल रहा है या फिर आप दोनों का जो मनमानी चल रहे हैं, इस पर ये बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं और ये नहीं चाहते कि और ये सब हो, ये ड्रामा को ये ख़त्म करना चाहते हैं और ये बहुत मतलब ये और नहीं सह पा रहे और आप भी और नहीं सह पा रहे हो। सो दोनों बोल रहे हो कि नहीं अभी बात करनी है और नहीं होगा। और उसके बाद फोर ऑफ शोर्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन डायरेक्ट आपके साथ कुछ बात करेंगे और अपने सारे सोशल मीडिया से ये बाहर आएंगे क्योंकि रियल कनेक्शंस बनाएंगे ये इसके बाद और ये नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ऑन एंड ऑफ बहुत चल रहा था। फाइनली आप दोनों ये ऑन एंड ऑफ फेज से बाहर आके एक दूसरे के साथ मिलोगे और ये हो सकता है विद इन 2 to 4 hours या फिर 2 to 4 days। बहुत जल्दी एक बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए। अगर आप लोग एक साथ हो बट काइंड ऑफ इमोशनली डिटैच या फिर आपको लग रहा है कि क्यों मेरे पार्टनर पहले जैसे बिहेव नहीं कर रहे, ये हो रहा है क्योंकि उसके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। वो चेंज 2 to 4 days के अंदर आ जाएगा और आपको एक प्रॉपर तरीके से कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेगा। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म करता हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा मेरे पार्टनर वापस आए, जो लोग रिकन्सिलेशन के लिए वेट कर रहे हो, और जो लोग अपने पार्टनर के साथ हो वो लोग लिख दीजिएगा हैप्पी रिलेशनशिप। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। मिल रहा हूँ बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। पीक कार्ड रीडिंग डाला हूँ वो वीडियो को देख लीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दीजिएगा, महाकाली चरण बाय निर्वाण मुखर्जी विद ब्लू टिक। बाय बाय, टेक केयर। प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ तो स्कैमर से बचिए। बाय बाय।